वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी और हम सब है व्रत माता दुर्गा माता का, क्योंकि जो लोग चढ़ती उतरती रहते हैं वो अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है पहला, और या तो अष्टमी को, क्योंकि नवमी को पूजा उजा करते हैं। जो लोग चढ़ती उतरती व्रत रखते हैं वो लोग बस पहले और अष्टमी को रखा जाता है, बाकी जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो 9 दिन पूरा रहते हैं। तो आज हम लोग सब हैं व्रत और सुबह के इस बजे इस टाइम, जी हाँ, 7:10 हो गए हैं और मैं चल रही हूँ नहा धो के। हम लोगों ने पूजा पाठ सब कोई कर लिए हैं क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है, तो हस्बैंड जी भी हमारे व्रत हैं तो उनके लिए चलिए चलते हैं अब फलहार बनाने। और आजकल थोड़ा थोड़ा ठंडी वगैरह लगने लगी, आप लोगों को भी लग रही होगी ना, क्योंकि मौसम ठंड हो गया है। क्योंकि आज सुबह जब हम लोग 5 बजे उठे थे ना तो काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, मतलब जैसे लग रहा था ठंड वाला महीना आ गया है और पूरा वातावरण शुद्ध जैसे नवरात्रि में हो ही जाता है। हर घर में पूजा पाठ, घंटियों की आवाज जब आती है तो अलग सा माहौल छा जाता है। तो हमारे यहाँ पुलिस लाइन में सबके यहाँ 5 ही बजे जब मैं उठी थी ना तो सबके यहाँ पूजा होने लग गई थी, घंटी वगैरह की आवाज आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा लग रहा है जब मैंने अपना सारा दरवाजा वगैरह खोल दिया सुबह उठते मान, और ताजी ताजी हवा आने लगी थी तो काफी अच्छा फील हो रहा था, अच्छा लगता है। तो फिर चलिए ज्यादा बात करते हुए नहीं, चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं फलहार। तो इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी और दूसरी तरफ आलू हमारा फ्राई हो रहा है। हमने बॉईल नहीं किया आलू, कच्चा ही आलू काट करके उसको फ्राई कर रहे हैं जीरे का घी में तड़का दे करके और मिर्चे का, और इस तरीके से पानी डाल दिया उसमें और इस तरीके से होने देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और उसके बाद हम बना रहे हैं सिंघाड़े का हलवा आटे का। तो इधर हमने 1 मीडियम साइज़ कटोरी भर के आटा ले लिया और कुछ नट्स वगैरह काजू बादाम किशमिश काट के रख लिया है साइड में। और इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, हमने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच ये घी यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम ये सिंघाड़े का आटे का डाल देंगे आटे को और अच्छे से भून लेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है भुनने में। एक्चुअली बचपन की यादें, मतलब होता नहीं है बचपन की चीजें याद आने लगती हैं जब हम लोग, मतलब ये नवरात्रि बहुत स्पेशल रहता था हम लोगों के लिए, क्योंकि पापा ना हम लोगों को मंदिर वगैरह ले जाते थे इलाहाबाद के, नैना देवी हो गया, लोकी माई हो गया, और वहां पे जितने पंडाल लगे रहते थे तो हम लोग पापा के साथ जाते थे नवरात्रि में घूमने वगैरह, और पापा हम लोगों को कई चीजें खिलाते थे तो काफी अच्छा लगता था उस वक्त का। आज समय बदल गया, आज का वक्त भी अच्छा लगता है लेकिन उस वक्त पापा के साथ एंजॉय करते थे, अब अपने खुद के बच्चे हो गए उनको एंजॉय करना पड़ता है, बस यही बदलाव लाइफ में आ जाता है। तो काफी अच्छा फील होता था। और मेरे यहाँ भी वहां भी नवरात्रि बहुत अच्छे से धूमधाम से इलाहाबाद में भी मनाई जाती, वहां तो चौक में मेला वगैरह लगता है, मतलब चौकी वगैरह निकाली जाती है, पंडाल भी लगाया जाता है, लेकिन कोलकाता में फर्स्ट नंबर पे दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन सेकंड नंबर पे कहते हैं सुल्तानपुर में ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है। सबसे मतलब प्रथम स्थान पे कोलकाता है, दूसरे नंबर पे सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में तब मनाया जाता है, यहाँ पे एक चीज की विशेषता है कि जब सब जगह दुर्गा पंडाल और दुर्गा पूजा खत्म हो जाता है, मतलब दशहरा खत्म हो जाता है, तब यहाँ पे स्टार्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नवमी से यहाँ स्टार्ट हो जाता है दुर्गा पूजा, मतलब मेला जो दशहरा का रहता है दुर्गा पूजा का, तो नवमी से माता रानी का दरबार खोल दिया जाता है, भक्त दर्शन कर सकते हैं, सारे पंडाल खोल दिए जाते हैं, वहां सब दर्शन करने जाते हैं, फिर 5 से 6 दिन ऐसे चलता है, फिर 6ठे या 7वें दिन यहाँ पे विसर्जन होता है माता रानी का। तो काफी भीड़ लगती है यहाँ पे क्योंकि हम लोग रहते हैं सुल्तानपुर में, तो यहाँ पे तो ऐसे मनाया जाता है। थोड़ा सा गला मेरा आप लोगों को बैठा हुआ दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों ऐसा है, सुबह मैं थी तो मुझे खुद फील नहीं हुआ, थोड़ा सा बैठा बैठा लग रहा था मुझे अपना गला, आवाज आप लोगों को लग रही होगी थोड़ी सी दबी दबी टाइप की। बाकी रिद्धि और टुकटुक अभी सो रहे हैं तो ऐसे चल रहा है काम। पहले मैं रहती थी 9 दिन तक, लेकिन आज मैं चढ़ती उतरती रहती हूँ क्योंकि ऊपर से फिर होता नहीं है, एक समय हो जाता है फिर अंदर से अभी तक आया नहीं, और इतना टफ भी रह सकता है, कैसा हो, बच्चे भी छोटे छोटे ये भी है, और भक्ति के लिए माता रानी परेशान, मतलब माता रानी ये नहीं कह रखती है कि आप भूखे रहो, आप ये करो, धूप बत्ती ये सब जलाओ, माता रानी बस प्यार के लिए रहती कि उनके जो भक्त हैं उनकी पूजा करें, उन्हें मन से याद करें, मन से पूजा करें। तो मेरा मानना है यही है
जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन ही व्रत रहो तभी कन्या खिलाओ या कुछ करो। मैं तो चढ़ती उतरती व्रत रहती हूँ, लेकिन अपने यहाँ कीर्तन भी रखती हूँ माता रानी का, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से उनको याद भी करती हूँ और 9 कन्याओं को भोग भी लगाती हूँ, अपने यहाँ बुलाती हूँ। तो सच्चे मन दिल से पूजा करनी चाहिए, बस मेरा इसी चीज में मानना है। क्या मैं सही कह रही हूँ आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा, अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, अभी मेरा नया नया चैनल है, कैसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कोई चीज, मुझे लग रहा है मैं उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई होंगी। बस चलिए, मेरा यहाँ पे सिंघाड़े का आटा भुन गया है, अब आगे नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तो इधर हमारा आटा भुन गया, हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में हम लोग भुनते हैं, उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे 1 कटोरी मीडियम साइज, थोड़ा सा कम आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और फिर अच्छे से चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हमें इसमें पानी मिला देना, और दूसरी तरफ हमारा आलू भी बन रहा है। तो इधर हम लोग 2 से 3 मिनट चलाने के बाद उसमें 1 मीडियम साइज़ मतलब 1 पाव बोल सकते हैं, आधा लीटर वाला लोटे का आधा पानी हम यूज़ करेंगे उसमें, और अच्छे से आपको जैसा खाना हो वैसा आप डाल सकते हैं। आपको गीला ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा पानी डालिए, नॉर्मल खाना है मतलब ज़्यादा ना गीला ना ज़्यादा वो, तो आप ऐसे खा सकते हो। उसके बाद मेवा डाल के गर्मा गर्म कटोरियों में हमने हलवे परस लिए हैं सारे, तो चलिए हस्बैंड जी को दे देते हैं। दूसरी तरफ चाय चढ़ा दिए, उधर आलू भी मेरा फ्राई हो गया, उसमें हम लोग धनिया हरी काट के धरे थे वो डाल देंगे, और सेंधा नमक, तो बस हो जाएगा रेडी। तो मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी कन्या, क्योंकि जैसा आप सब जानते कल है नवमी, और मैं नवमी के दिन कन्या खिलाती हूँ हवन और पूजा करने के बाद माता रानी का, माता रानी को भोग लगाने के बाद 9 कन्या और 1 लंगूर। तो मैं उन कन्याओं को देने के लिए क्या लाई हूँ वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो आप वो मैं आपको दिखाती हूँ। कल कन्या खिलाने के बाद मैं उन लोगों को ये देने वाली हूँ, तो मैंने लिया है ये थाली, थाली नहीं कहेंगे इसको, प्लेट कहेंगे, बड़े साइज वाले जो प्लेट होते हैं इस टाइप के, जो इस टाइप के प्लेट होते हैं उसी टाइप का मैंने ये प्लेट लिया हुआ है। तो ये 12 प्लेट का पूरा सेट आता है, तो मैंने पूरा 12 प्लेट का ही सेट लिया हुआ है इस तरीके से, तो मैंने ये पूरा सेट आता है मार्केट में, तो ये लेके आए हैं कन्याओं को देने के लिए इस तरीके का प्लेट। और इसके साथ मैं कन्याओं को दूंगी ये हेयर बैंड कहते हैं ना इसको, तो ये भी 12 पीस का पूरा सेट मैंने लेके आया हुआ है, तो इसके साथ हेयर बैंड और 5-5 रुपए मैं लगा करके दूंगी कन्याओं को, तो दक्षिणा भी हो जाएगा, गिफ्ट भी हो जाएगा उनका मन पसंदीदा, और ये भी प्लेट भी। तो मैं सोचती हूँ कि दिल से करना चाहिए, अगर आप कोई भी चीज करते हो उस पर कंजूसी पर नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मुझसे जितना बन पड़ा है हमने किया है। तो अगर आपको कैसा लगा हमारा कन्या के लिए जो गिफ्ट मैंने लिया है कन्याओं के लिए, कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तो इतना ही हो पाया है, ज्यादा अमीर तो है नहीं और इतना बजट भी थोड़ा नहीं है, तो इस वजह से यही हम लोग लिए हैं कन्याओं के लिए। वैसे भी प्रेम से जो भी दिया जाए कन्याओं को उसी में खुश हो जाती, कन्याओं को खुश करने से मतलब होता है। तो ये है हमारे कन्या पूजन के लिए गिफ्ट, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या दे रहे हैं कन्या को गिफ्ट में, और मेरा गिफ्ट कैसा लगा है कन्याओं के लिए। तो कल का ब्लॉग भी देखना मत भूलिएगा, यही सब गिफ्ट लाए हैं। तो ये मैंने की थी छोटी सी शॉपिंग कन्याओं के लिए कल के लिए, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, तीसरी बार मैं बोल रही हूँ। तो और भी मैं चीजें बताती हूँ कि जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास वाले, एक हाई मिडिल क्लास होता है, एक लो मिडिल क्लास वाले, तो उसी लेवल में हम लोग आते हैं। तो वो लोग अगर कन्या भोज रखते हैं तो कन्याओं को और चीजें क्या दे सकते हैं अफोर्डेबल चीजों में 50 रुपए के रेंज में, तो आप कन्याओं को टिफिन दे सकते हैं 50 रुपए में, टिफिन भी आता है, बॉक्स आता है ड्रम बॉक्स 20 रुपए से स्टार्टेड रहता है, आप बॉक्स भी दे सकते हैं जिसमें पेंसिल रबर रखा जाता है, पाउच आता है 10 रुपए वाला जो एक पेंसिल वेंसिल रख के रबर वगैरह रखते हैं ना जो हम लोग, तो वो पाउच भी आप दे सकते हैं गिफ्ट में, हैंकी दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं जैसा कि मैंने लाया है, हेयर बैंड, आप प्लेट दे सकते हैं, चम्मच दे सकते हैं,
चम्मच कटोरी का जो सेट होता है, गिलास चम्मच कटोरी का, वो सेट भी आप दे सकते हैं। अगर गिलास चम्मच कटोरी का करेंगे तो 50 से ऊपर जाएगा, 100 रुपए। अगर आप केवल कटोरी का करते हैं तो 50 रुपए के अंदर आ जाएगा। 35 का भी आता है, 49 का भी आता है। अच्छा, कटोरी का सेट पे बता रही हूँ। उसके बाद आप हेयर क्लिप दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेसलेट दे सकते हैं और चॉकलेट दे सकते हैं। 50 रुपए के आते हैं ना चॉकलेट्स के रैपे, स्मॉल साइज वाले, आप वो भी दे सकते हैं कन्याओं को गिफ्ट में। हैंकी दे सकते हैं। ऐसे कई चीजें, छोटी छोटी चीजें आप कन्याओं के बारे में बैठ के सोचेंगे तो आप वो सब चीजें आप दे सकते हैं कन्याओं को। क्योंकि हमें यहाँ पे रहता है, जब हम लोग कन्याओं को भोज कराते हैं तो उनको खुश करना रहता है, ताकि वो मन से खुश हुए हमारी सेवा और भाव से, ताकि हमें ढेर सारे आशीर्वाद मिले। तो मुझे लगता है कन्याओं को उनको यूज करने वाली चीजें देनी चाहिए, और ऐसी चीजें देनी चाहिए कि हाँ, वो कह सके कि ये मैं गई थी आंटी के यहाँ तो मैं ये खाई थी, तो ये मुझे मिला है। तो अच्छा लगता है ना, अपना वक्त याद करिए। जब हम लोग जाते थे कन्या खाने, हम तो बहुत गए हैं खाने के लिए, तो हम लोगों को प्लेट वगैरह मिलता था या हेयरबैंड मिलता था, तो बॉक्स भी मुझे मिला था। आप टिफिन वाले भी बॉक्स दे सकते हैं, जो टिफिन आते हैं स्टील वाले, वो भी 50 रुपए के रेंज में अच्छे खासे आ जाते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं बच्चों के। तो मुझे टिफिन मिलता था, तो मैं घर पे आती थी ना, तो फिर जब नेक्स्ट या 2 दिन या 1 हफ्ते बाद भी या कोई भी मुझसे पूछता था, मैं कहती थी मुझे ये कन्या में मिला था खाने में। तो अच्छा लगता है ना, कन्याएं मन से खुश होती हैं। ऐसी चीजें दीजिए जो कन्याएं यूज कर सके। डलिया वगैरह आता है प्लास्टिक के डिजाइन वाले, प्लेट आते हैं प्लास्टिक के, 3 खाने वाले, वो 50 रुपीज में आ जाते हैं आसानी से। तो ऐसी चीजें आप कन्याओं को दे सकते हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं। अगर आपको पैसा देना है तो आप गिफ्ट के साथ 5 रुपए 11 रुपए लगा के भी आराम से दे सकते हैं। अगर आपको दक्षिणा देना ही है पैसे में तो इतना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कन्याओं को गिफ्ट भी देना बहुत जरूरी होता है। कोई सामान जो उनके यूज के हों, ताकि वो खुश हों, खुशी खुशी हमारे घर से जाएं और ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाएं। तो ये थी मेरी सोच, आपकी सोच क्या है? अगर आपको मेरी सोच अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल नहीं चल सकता है। तो इधर पतिदेव आ गए, तो हम लोग गए हैं नैना देवी सुल्तानपुर में, वहीं आए हैं दर्शन करने के लिए हम लोग। तो फिर यहाँ से शाम को दर्शन करने के लिए आए, घर पे दिया बाती करने के बाद कहें आज अष्टमी है, चलो चलते हैं दर्शन कर आते हैं, यहीं पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है नैना। और बहुत ही सुंदर मुझे लगी ये मंदिर, बहुत ही सुंदर। तो इधर हम आ गए हैं किचन में, हमने चढ़ाया कुकर, उसमें 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है, क्योंकि मैं बना रही हूँ साबुदाना की खिचड़ी। तो इसमें हम लोग 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे और अच्छे से भुन जाएगा। तो इसमें मैं 2 मिर्च हरी डाल रही हूँ और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और 2 से 3 मिनट के लिए मैं चलाऊंगी। तो मैं यहाँ कच्चा आलू यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मैं सीटी भी दिलाऊंगी साबुदाने को। तो मैंने साबुदाना भिगो के रखा हुआ है 1/2 घंटे पहले। तो इधर मैंने 2 मीडियम साइज आलू यूज किया है और उसको अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उसको मैं डाल दूंगी। कम से 5 मिनट हमें इस तरीके से भुनना है। उसके बाद इसमें मैं नमक डालूंगी और पानी। तो नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार। इसके बाद 2 से 3 मिनट चलाएंगे इसको अच्छे से, उसके बाद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग साबुदाना ऐड कर देंगे। इधर मैंने 1/2 गिलास पानी लिए हैं और ये मैंने भिगो के रखा था साबुदाना, अच्छे से धुल दिया है साफ पानी से। तो अब इसमें हम साबुदाना मिला देंगे और 1 सीटी लगा देंगे ढक के। तो इधर हमारी साबुदाने की खिचड़ी बन के हो गई है रेडी। तो देखिए बहुत खिली खिली बनी है। इधर आज हमारे पापा आ रहे हैं, मेरी सिस्टर आ रही हैं, मतलब मायके वाले पापा और मेरी सिस्टर। अचानक से सरप्राइज दे रहे थे, उन लोगों ने बोला कि सरप्राइज दे रहे, लेकिन मेरी बीच वाली सिस्टर है उसने मुझे बता दिया कि वो दोनों लोग आ रहे हैं। तो वो कह रही थी सरप्राइज पूरा खराब कर दी। वो लोग सरप्राइज देना चाह रहे थे बच्चों को कि नानू से, क्योंकि कुछ दिन पहले रिद्धि कह रही थी नानू कब आएंगे, नानू आइए। तो पापा ने सडनली प्लान बनाया और आज वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज नौवीं लग चुकी है। तो हवन वगैरह करके शाम वाली ट्रेन से मैं बैठ गए थे वो लोग घर पे, तो रात में 11 बजे तक पहुंचेंगे वो लोग। तो आपको कल के ब्लॉग में पापा और मेरी सिस्टर भी दिखेंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, साबुदाने का मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, जय माता दी।